नमस्कार, वेरी वॉम वेलकम टू ऑल आर व्यूवर्स एंड लर्नर इन दिस लाइव फोन इन सेशन ऑफ सीआईटी एनसीईआरटी। मैं हूं आप सभी के साथ रेणु भट्ट, आप सभी का स्वागत करती हूं और आप हमें देख रहे हैं लाइव पीएम ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और सेकंड आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है एनसीईआरटी ऑफिशियल, आप वहां पर जाकर इसके पिछले पार्ट्स और सेशंस देख सकते हैं। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें और सारे व्यूवर्स और बच्चों को बता दें कि किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559। इधर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट आर ईमेल एड्रेस दैट इज dth.class10@cit.nic.in। इन दोनों ही तरीकों से आप हमसे जुड़ सकते हैं अपने सभी क्वेरीज और सवालों के साथ। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें और मिलवा दें अपने एक्सपर्ट से जो हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं। और मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट मिस सविता ग्राहक, आप टीचर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सालारपुर रोड कुरुक्षेत्र से। वेरी वार्म वेलकम मैम। जी नमस्कार रेणु जी, और हमारे सभी दर्शकों को भी प्यार भरा नमस्कार जी। और मैम जैसे हमने अपने सभी बच्चों को बताया, देखने वालों को बताया कि ये पार्ट थर्ड है और पिछले पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं और लास्ट सेशन हमारा जो था वो स्टैंडर्ड एंगल्स पे रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट थर्ड के बारे में, लेकिन हम शुरुआत करेंगे इस सेशन की एक छोटे से ब्रीफ के साथ। आप हमें हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत ही ब्रीफ में बताएं पिछले सेशन के बारे में मैम। जी बिल्कुल रेणु जी, जैसा कि आपने कहा कि पहले हम स्टैंडर्ड एंगल से रिलेटेड थोड़ा सा ब्रीफ करें सेशन को, उसके बाद आगे प्रोसीड करें। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेम। दीज आर द स्टैंडर्ड एंगल्स अबाउट विच हमारे व्यूअर्स ने हमारे पिछले सेशन में भी सीखा है जाना है। सो स्टैंडर्ड एंगल्स मीन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड देन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इन पांचों स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए हमारे वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट मींस ऑल 60 रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, वी हैव लर्नड अबाउट हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। वी हैव लर्नड दैट साइन 0 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड सिमिलरली साइन 90 डिग्री इज 1। वी ऑल्सो हैव लर्नड अबाउट ऑल द वैल्यूज ऑफ cos थीटा फॉर दीज स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एंगल्स एंड देन tan थीटा। और हमने अपने व्यूअर्स को एक छोटा सा टास्क दिया था दैट ऑन द बिहाफ ऑफ दीज थ्री एंगल्स दे हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cosecant थीटा, द वैल्यू ऑफ secant थीटा, द वैल्यू ऑफ cot थीटा। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस दीज वैल्यूज। वी नो दैट cosecant थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, इट इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ t रेशियो sin। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cosecant 0? इट विल बी 1/0 which can be written as not defined or it can also be mentioned as infinity. It is not defined. What is the value of cosecant 30 degree? Undoubtedly the reciprocal of 1/2 and it is 2/1 or which can also be written as only 2, kyunki hame pata hai if the denominator is 1 then it can be written, or if we will not write it tabhi uska matlab yahi hoga ki denominator jo hai that is 1. The value of cosecant 60 degree, it is 2/√3. The value of cosecant 90 degree, that is equals to 1. So, we can see that cosecant theta ki value for all the standard angles from 0 degree to 90 degree, jo bhi ho sakti hai, it can go up to infinite. It will start from 1, but iski value kabhi bhi 1 se choti nahi hai. In class 10, we will study only about the angles between 0 degree and 90 degree, including both of these. So, we will know that the cosecant theta ki value will be equals to 1 or more than 1. Sin theta ki value will be existing between 0 and 1 and also including both of these. Sin 0 degree ki value 0 hoti hai, sin 90 degree ki value 1 hoti hai. Aur iske beech mein jitni bhi angles hai, chahe hum ye standard angles ki baat kare, या हम बात करें 36 डिग्री, 54 डिग्री, 47 डिग्री, तो इन सभी एंगल्स के लिए भी साइन थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच ही एग्जिस्ट करेगी। लेट अस डिस्कस सम रिमार्क्स रिलेटेड टू द सेम थिंग। बिफोर दैट अनडाउटेडली
हमें पता है कि सेकेंड थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस थीटा, सो आवर व्यूअर्स कैन राइट दीज वैल्यूज ऑन देयर ओन एंड कोट थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 10 की. तो इसी टेबल के बिहाफ पर एक बार हम ये रिमार्क्स डिस्कस करते हैं. द वेरी फर्स्ट इज इफ थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री. अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है फ्रॉम 0 टू 1 व्हिच वी जस्ट हैव डिस्कस्ड. हमें पता है कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 एंड साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1. बट कोस के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि हमें पता है कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू रहती है 1 एंड कोस 90 डिग्री इज 0. सो एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 90 cos theta decreases from 1 to 0. Decreasing order में cos की value हमारे पास रहेगी. And then as theta increases from 0 degree to 90 degree, then tangent theta increases from 0. Here it has been mentioned कि tangent theta increases from 0, but ये नहीं लिखा through where. क्योंकि हमें पता है कि tan theta की जो value है tan 90 degree के लिए, that is not defined or that can be said to be infinite. So we can say कि tan theta की value 0 degree से infinity तक कुछ भी हो सकती है. Now what is the maximum value of 1 upon sec theta? I have written it as 1 upon sec theta so that our viewers can think upon it, that 1 upon sec theta means cos theta. और cos theta की exact value क्या होती है? That is equals to existing between 0 and 1 including both of these, but the maximum value of cos theta is 1. Therefore, the maximum value is of 1 by sec theta, that will also be 1. After this, let us discuss further. Further, the next value is if cos theta decreases. This time we are discussing about the value of cos theta. If it decreases from 1 to 0, then theta increases from 0 degree to 90 degree. There is a vice versa relation between both of these. And after this, let us discuss further. Cos theta and sine theta cannot be greater than 1, which we just have discussed. Similarly, secant theta and cosecant theta cannot be less than 1 numerically. Numerically, what has been written here so that when we will study about trigonometry, more about it, when we will study about the angles greater than 90 degree or lesser than 0 degree, then our students will also be able to come to know that the values can also be negative of these t ratios. But in class 10, we will discuss just the numerical positive values between the angles 0 degree and 90. The last is tan theta and cot theta, these can have any real value. Because we know that tangent theta is 0, for theta equals to 0 degrees. Tangent 90 degree, it is infinity for tangent 90 degree. And if we discuss about tangent negative 90 degree, then the value will be negative infinity. Means the value of tan theta can be any real value. All right? Right. On behalf of these, let us discuss some questions. The very first question is, in triangle ACB, which is right angled at C. So here is a triangle in which angle C is given to be 90 degree, AB is given to be 29 units, and BC is given to be 21 units. So this is 21, this is 29, and angle ABC, that means this angle, this is given to be theta. We just have to determine these two parts. Let us discuss the second part from here. It is cos square theta minus sine square theta. If I want to calculate this, I will have to thought of that cos theta is base upon hypotenuse, due to which cos square theta becomes base square divided by hypotenuse square. Our viewers, you must be aware about that if somewhere it is written cos square theta, it simply means cos theta whole square. कभी भी एंगल का स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा. आपको पहले भी हमने बताया है कि किसी भी एंगल के बिना टी रेशियो की कोई वैल्यू नहीं होती. तो कॉस की वैल्यू एट अ पर्टिकुलर एंगल और देन इट्स स्क्वायर हैज बीन डन. देन माइनस
sine square theta, which is perpendicular square divided by hypotenuse square. And which side will be considered as base? Yes, if this is your angle B given to be theta, then the side opposite to it will be considered as perpendicular. Therefore, this side will be considered as base, and undoubtedly AB is the hypotenuse. So first of all, apply the Pythagoras theorem. By applying Pythagoras theorem, you will be able to find the value of AC. Now you have AB, you have BC, you will find AC, and then you will put all the values of base, perpendicular and hypotenuse here to get the required answers. The only thing is, you have to go for the square of the required of the values which we will obtain. Yes. Here's one more question, which is asking us that if angle B and angle Q are given to be acute angles, there are two triangles, triangle PQR and triangle ABC. In both of these triangles, angle R is given to be 90 degree, angle C is also given to be 90 degree. We just have to show, or we just have to prove, that angle B equals to angle Q. We know that these are acute angles. Acute angles means these can be, there is a possibility that angle Q jo hai, wo 30 degree hai, angle B jo hai, वो 60 डिग्री है या 45 डिग्री है. बट एक कंडीशन हमें जो दीवन है, दिस इज साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू. इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें क्या प्रूव करना है, दैट एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल होंगे. यानी अगर साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, एट दैट टाइम दीज एंगल्स नीड्स टू बी इक्वल. सो लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस. फॉर दैट we will begin with the same what has been given to us, that sin b equals to sin q. If sin b and sin q are equal, so sin b, that can be written as the perpendicular side, which is ac divided by ab. It is equals to pr divided by pq, and this whole can be considered to be equal to some constant k. Why so? Actually, we need to prove that angle B or angle Q एक दूसरे के equal हो जाए. इन दोनों angles को equal proof करने के लिए we are trying that ये जो दोनों triangles हैं, triangle ABC and triangle PQR, ये दोनों triangles क्या हो जाए, एक दूसरे के similar हो जाए. और जैसे ही दोनों triangles similar होंगी, undoubtedly इन दोनों triangles के all three angles will be equal. तो सिमिलैरिटी के लिए हमें पता है कि अगर तीनों साइड्स का रेशियो ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल के तीनों साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, इन दैट केस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे. सो ऑलरेडी टू साइड्स का रेशियो तो इक्वल है, हमें अभी किस साइड पर काम करना है, थर्ड साइड विच इज रिमेनिंग. बट बिफोर दैट अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं बहुत केयरफुली, so we can see that AC's denominator is again a side of the same triangle. PR का जो denominator है, that is again the side of the same triangle. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम cross multiplication apply कर रहे हैं, due to which we are able to get AC upon PR equals to AB upon PQ. And this rule has been supposed to be equals to some constant K. Okay, from here we are able to write that AC upon PR equals to AB upon PQ. हम observe करें कौन कौन से sides का यहाँ पर use हो चुका है. AC is there, AB is there. So this is my AC, this is my AB. करना क्या है, BC side को किसी भी तरह से value calculate करनी है और AB और AC के form में ही हमें rewrite करनी है. So let us see that what will be the value of BC. We can write that AC equals to K into AB. Similarly, PR equals to K into PQ. By using equation number 1, we have written this. From here, if I apply Pythagoras theorem in triangle ABC, we are able to get that, yes, hypotenuse AB square equals to AC square plus BC square. Due to which AC के place पर हम लिख सकते हैं K into AB, that's why it is AB square
इक्वल्स टू के स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइड बी सी की. फ्रॉम हियर वी कैन से दैट बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर इंटू ए बी. वी जस्ट हैव टेकन दिस वैल्यू टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड एंड वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ बी सी. जैसे व्यूअर्स हमने बी सी की वैल्यू कैलकुलेट की है, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू आर. एंड ऑन कैलकुलेटिंग क्यू आर यू विल बी एबल टू गेट, लेट अस सी दैट, वी कैन से दैट क्यू आर स्क्वायर equals to PQ square minus PR square. So let us write it again in the same way that QR square equals to PQ square minus PR square. From here हम PR के place पर value लिख सकते हैं which is yes K into PQ. So QR square equals to PQ square माइनस के स्क्वायर इंटू अगेन पी क्यू स्क्वायर. पी क्यू को कॉमन लेने पर और इस स्क्वायर को सॉल्व करने पर वी आर एबल टू फाइंड दैट क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर. सो इफ वी ट्राई टू फाइंड द रेशियो ऑफ बोथ ऑफ दीज साइड्स नाउ, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ बी सी एंड क्यू आर, व्हाट वी आर गेटिंग एग्जैक्टली, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर इक्वल्स टू 1 माइनस के स्क्वायर into AB and this complete is divided by PQ into under root of 1 minus K square. Can be cancelled. So, हमारे पास BC upon QR की जो value है, that is equals to AB upon PQ. Let us consider it to be question number 3rd and this one to be question number 2nd. So, my dear viewers, if you observe both of these, that in equation number 2, AB upon PQ equals to AC upon PR. And equation number 3, AB upon PQ equals to BC upon QR. So from here, we got that the ratio of all the three sides of the first triangle are equals to the second one. Therefore, the sides are proportional to each other. Therefore, the triangles are similar to each other. And if the triangles are similar, then we are able to say that yes, angle B and angle Q both are equal to each other. So let us proceed ahead towards next question. What the question is? It is in triangle ABC, which is right angled at B. Yes, this is your angle B. Now the question is related to the standard angles we will discuss. BC is given to be 5 cm. So this is your 5 cm. Angle BAC is given to be 30 degree. Okay, one of the standard angle is this. I need to find side AC. Side AC means hypotenuse. And if this is your base angle 30 degree, this the side opposite to this, that will be 5 cm, that will be the perpendicular. And perpendicular is there, standard angle is there. We have to find the hypotenuse. तो आपको सोचना है कि कौन से टी रेशियो का रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ रहता है. दैट इज साइन. सो यू हैव साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ड्यू टू विच वी कैन से दैट साइन 30 डिग्री, यस, पुट द वैल्यू ऑफ दिस विच इज 1/2. परपेंडिकुलर विच इज गिवन टू बी 5 यूनिट्स और 5 सेंटीमीटर, पुट दैट वैल्यू डिवाइडेड बाय एच विच इज हाइपोटेन्यूज. Or in place of H, we should write the side AC. On cross multiplication, we are able to say that AC equals to 10 cm. Similarly, if I want to find the value of AB, which is the base, so we can go for the relation between perpendicular and base. We have to think that which T ratio is providing us the relation between perpendicular and base. For understanding this relationship, you should go through the videos number 1 and 2 in which we have discussed about these ratios. Yes, tangent 30 degree. What is the value of tangent 30 degree? If we know it, dear viewers, aapko ye values jo hai calculate karni to aa gayi hain, lekin aap har question mein again and again values ko calculate karne par time nahi lagayenge. You people have to learn these values. Yaad karni hai aapko in values.
and then you will put the value accordingly, you will be able to get that yes, the base, and what is the base, which is AB. So the base AB equals to 5√3 units. Here the units have been given to be centimeter, so it is 5√3 centimeter. Similarly, more questions of the same type can be solved by our viewers. Let us proceed ahead कि और किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं by using the standard angles. Here is one of the question, what it is, tangent A plus B equals to 1 and sin 2A minus B equals to 1. आपको दो relationship given है, that tangent A plus B, do not be worried about that what this A plus B is. This is nothing, सिर्फ और सिर्फ ये tangent का angle है. इस बार एंगल को दो वेरियस एंगल्स के सम की फॉर्म में क्वेश्चन में लिखा गया है और हमें करना ही यही है, वी जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी. एक चीज हमारे व्यूअर्स ध्यान रखेंगे दैट टेन ए प्लस बी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि टेन ए प्लस टेन, नो, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स, दीज आर नॉट इक्वल टू इच अदर. टेंजेंट ए प्लस बी का मतलब है कि पहले हम दोनों एंगल्स को प्लस कर दें, व्हाटसोएवर इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाटसोएवर इज द वैल्यू ऑफ बी, उन दोनों को प्लस करने पर अगर हम उस पर टी रेशियो 10 अप्लाई करते हैं, देन वी आर एबल टू गेट 1. तो अब हमें अपने टेबल के थ्रू सोचना है कि टेंजेंट की वैल्यू कितने डिग्री के लिए 1 होती है, दैट इज 45 डिग्री. सो वी हैव टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं टेंजेंट 45 डिग्री. हमारे व्यूअर्स को ध्यान रखना है, इफ द लेफ्ट हैंड साइड इज हैविंग द टी रेशियो टेंजेंट, तो आपको राइट हैंड साइड पर भी टेंजेंट की फॉर्म में ही चेंजेस करना है. अगर लेफ्ट हैंड साइड पर साइन है तो आपको यही सोचना है कि ये वैल्यू साइन के लिए कितने डिग्री पर होती है. अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड पर कोस लिखा है तो आपको सोचना है कि कोस के कितने डिग्री के लिए ये वैल्यू रहती है. सो we just have studied in the previous question कि अगर sin b और sin q equal होते हैं तो ये दोनों angles भी equal होते हैं. So this is true for all the t ratios. बिल्कुल ऐसे यहाँ पर tangent something, tangent theta is equal to tangent beta है. तो दो अलग अलग angles के लिए अगर आपका tangent equal दिखा रहा है, यानी वो angles भी equal ही होंगे, then you people have a plus b equals to 45 degree and this will be considered as our equation number 1. इसी तरह से हम second case को solve करते हैं. What it is? It is sin 2a minus b equals to 1. तो हम सोचेंगे कि sin के लिए कितने degree पर value 1 रहती है, that is 90 degree, and from here we have 2a minus b equals to 90 degree. This is equation number 2. तो अभी ये जो दो इक्वेशंस नई आपके पास बन गई हैं, ये दोनों इक्वेशंस सिंपल लीनियर इक्वेशंस हैं. यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अभी कुछ नहीं बचता, आपको सॉल्व करना है. दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर पीपल आर गेटिंग 3a इक्वल्स टू 135 डिग्री. फ्रॉम हियर यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ ए. नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 एंड वी विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ बी विच इज 0. अगर आप a को 45 पुट करते हैं तो यू आर गेटिंग b इक्वल टू 0 डिग्री. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ऑलराइट, सिमिलरली मोर क्वेश्चंस ऑफ द सेम टाइप कैन बी आस्क्ड. लेट अस डिस्कस मोर अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टुडे. आई थिंक वी पीपल हैव टाइम. यस यस मैम, वी हैव 5 मोर मिनट्स लेफ्ट टू द सेशन मैम. ऑलराइट, थैंक यू. सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है, दिस वर्ड इज नॉट न्यू टू यू डियर स्टूडेंट, जस्ट न्यू थिंग इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो ऐसे दो एंगल्स जिन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, उन्हें आप बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. इफ वन एंगल इज 30 डिग्री देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी 60 डिग्री. इफ वन एंगल इज 20 डिग्री देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी 70 डिग्री. And if I am saying that one angle is theta, I am not giving any value 20, 30, 10. अगर एक angle theta है, तो इसके complementary angle की value होगी 90 degree minus theta. So let us discuss about T ratios for these complementary angles. देखिए, अगर मैं बात करती हूँ sin 90 degree minus A की,
सो दैट विल बी इक्वल्स टू कोस ए, यानी कि ए एंड 90 डिग्री माइनस ए, ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए साइन और कोस में जो रिलेशन रहता है वो क्या रहता है, दैट साइन ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दैट एंगल, कॉस ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दैट एंगल. आप चेक भी कर सकते हैं, हमने अभी देखा था टेबल में दैट साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2. एंड इफ यू विल ऑब्जर्व द सेम टेबल अगेन यू विल सी दैट cos 60 की भी वैल्यू होती है 1/2. यानी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 30 प्लस 60 इज 90, तो इन दोनों के लिए साइन और cos की वैल्यू जो है वो इक्वल फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सिमिलरली tangent 90 डिग्री माइनस ए इट इज cot a, cot 90 डिग्री माइनस ए इज tangent a, और ऐसा ही रिलेशनशिप रहता है secant एंड cosecant. दैट मीन्स secant 90 माइनस ए is equal to cosecant A and cosecant 90 minus A equals to secant A. अगर आपको एंगल चेंज करके यहाँ पर लिख दिया जाए 90 डिग्री माइनस थीटा, इवन देन द रूल विल रिमेन सेम, दैट विल बी टेंजेंट थीटा. तो चाहे एंगल A लिखा है, अल्फा लिखा है, बीटा लिखा है, थीटा लिखा है, द रूल विल बी द सेम. ऑलराइट, लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन नाउ. We have to prove that cosecant 65 degree plus A minus secant 25 degree minus A minus tangent 55 minus A plus cot something. We have to prove that this complete will be zero. So we will take the help of these complementary angles for solving this question. Let us start solving it by using the left hand side. It is cosecant 65 minus A. तो अगर हम रिलेशनशिप देखते हैं, कॉसिकेंट यहाँ पर है, सिकेंट यहाँ पर सेकेंड टर्म में है, और 65 और 25 इन दोनों को प्लस करने पर 90 बन रहा है, यानी कुछ ना कुछ सॉल्व किया जा सकता है. सो लेट अस ट्राई, 65 को हम लिख देते हैं, या हम 65 को सेम रखते हैं, लेट मी राइट इट एज इट इज, माइनस सिकेंट, बट 25 को हम लिख रहे हैं 90 डिग्री माइनस 65. लिख सकते हैं, अगर कहीं पर भी 25 लिखा है या 90 माइनस 65 लिखा है, दीज टू थिंग्स आर द सेम. माइनस टेंजेंट 55 माइनस ए, लेट अस राइट इट सेम, बट कोट के साथ जो एंगल है 35, वी आर चेंजिंग इट टुवर्ड्स 90 माइनस 55 डिग्री. हम सिर्फ ये शो करना चाहते हैं कि यस, यहाँ पर ये जो एंगल्स फ्रेम हो रहे हैं दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. So I have cosecant 65 plus A minus secant 90 degree minus this complete angle is there. मैम बहुत ही brief में हम आपसे जानना चाहेंगे मैम. जी, I am solving only the first part. The second parts my viewers will be solving. Okay. This is cosecant theta minus secant 90 minus theta. So secant 90 minus theta को हम easily लिख सकते हैं. cosecant 90 minus theta को हमने लिख दिया, cosecant theta, these two parts can be cancelled. Similarly, these two parts will also be cancelled and the final result will be zero. Okay. It's all for today. Yes. फाइन मैम, थैंक यू सो वेरी मच. आपने इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर. पार्ट थर्ड पे हम बात कर रहे थे डियर व्यूवर्स एंड लर्नर्स, और थैंक यू सो वेरी मच मैम कि आप हमसे जुड़े. जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद. जी बहुत बहुत धन्यवाद. और अपने सभी देखने वालों को हम बताते हैं कि आप अभी इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं. ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव फोन इन प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे, जो कि सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए. आप कहीं मत जाइए, बने रहिए PM Avidya चैनल पर. अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाजत. नमस्कार.